हेलो दोस्तों, तो अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या फिर बिना सब्सक्रिप्शन के इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके नेटफ्लिक्स के बेहतरीन शोज का आनंद लेना चाहते हो तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए कर आए हैं टॉप 10 वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिल हिंदी वेब सीरीज का कलेक्शन ऑन नेटफ्लिक्स, जिन्हें आप सभी को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए अगर आपको क्राइम थ्रिल में अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन सी बेहतरीन सीरीज और क्या आपकी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में जगह बना पाई है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, 2022 में आई ये काली काली आंखें, जिसे IMDb पे 7.0 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है दो लड़कियों और एक लड़के के लव स्टोरी की, जिसमें लड़का पहली वाली लड़की से प्यार करता है पर वो दूसरी लड़की जो उस लड़के से प्यार करती है वो शहर के सबसे खतरनाक पॉलिटिशियन की बेटी है, जो कि अपनी बेटी के लिए किसी का मर्डर तक भी करवा सकता है। तो इसके बाद आखिर वो लड़की अपने प्यार को हासिल करने के लिए किस हद तक जाती है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो। नंबर 9, 2022 में आई नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज माई, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी फोकस करती है लखनऊ शहर में एक कैरेक्टर माई की, जिसकी एक बेटी है जो कि गूंगी है और एक दिन रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, पर कुछ दिनों के बाद माई को ये पता चलता है कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची साजी मर्डर थी। तो फिर इसके बाद माई अपनी बेटी के कातिल का पता लगाकर उसे बदला लेने के लिए क्या कुछ करती है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो कि थोड़ी स्लो तो है। नंबर 8, 2020 में आई जामताड़ा, जिसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी दिखलाई गई है झारखंड के जामताड़ा के कुछ ऐसे लड़कों के ग्रुप्स की, जो कि लड़कियों की आवाज निकलकर केवल अपने फोन से ही बड़े बड़े लोगों तक के बैंक अकाउंट को साफ करने का काम करते हैं। तो आखिर वो ये कारनामा कैसे करते हैं और क्या पुलिस अंत तक उनको पकड़ पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और स्पेशली सीजन 1 मुझे इसकी काफी ज्यादा पसंद आई थी। नंबर 7, 2021 में आई हाउस ऑफ सीक्रेट द बुरारी डेथ, जिसे IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी 100% सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें 2018 में दिल्ली शहर के बुरारी प्लेस पे एक रात एक ही घर के एक ही कमरे में एक साथ घर के सभी लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक की 11 लोगों की लाश ट्रसी से टंगी हुई मिलती है। तो आखिर उन सभी के मौत के पीछे क्या मिस्ट्री है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जिसका 70-80% फुटेज बिल्कुल रियल वाले यूज किए गए हैं, इस वजह से ये सीरीज आपको थोड़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप की लगने वाली है। नंबर 6, 2021 में आई एक और बेहद ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज रे, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें टोटल 4 एपिसोड रखे गए हैं और उन सभी एपिसोड में एक अलग अलग स्टोरी दिखलाई गई है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से मैं आपको इसका स्टोरी तो नहीं बताने वाला। हाँ, पर सीरीज वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे एक बार देखनी तो बनती ही है। नंबर 5, अर्नेक, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी दिखलाया गई है हिमाचल के एक छोटे शहर की, जहाँ पे कुछ फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए होते हैं, पर आते ही उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि वहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी बेटी की लाश जंगल में पेड़ पे टंगी हुई मिलती है और वो भी काफी बुरी हालत में, और वहाँ के लोगों का मानना है कि उसके हत्या किसी नर तेंदुए ने की है। तो आखिर वो नर तेंदुआ है कौन और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। नंबर 4, 2020 में आई खाकी द बिहार चैप्टर, जिसे IMDb पे 8.2 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक IPS ऑफिसर अमित लोढ़ा की, जिसकी पोस्टिंग बिहार में हो चुकी है, जहां पे क्राइम्स अपनी चरम सीमा पे है, और अमित का ट्रांसफर बिहार में हो जाने के बाद वहां पे क्या कुछ होने वाला है, तो आप इस सीरीज देख कर जानो, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। और अच्छी बात यह है कि ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर सीरीज है, तो अगर आपको मिर्जापुर और भोपाल जैसी सीरीज देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपको डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। नंबर 3, 2020 में आई रणदीप हुड्डा की पहली वेब सीरीज कैट, जिसे IMDb पे 8.2 की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी सेट की गई है 2006 में पंजाब की, जब ड्रग्स माफियाएं पूरे पंजाब में फैले हुए थे और इसी ड्रग्स कार्टेल को खत्म करने के लिए एंट्री होती है रणदीप हुड्डा की एज अ कैट। तो आखिर वो ये पंजाब में इतने बड़े ड्रग्स बिजनेस को आखिर कैसे खत्म करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है और स्पेशली रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली, जिसे आप चाहो तो नेटफ्लिक्स से डायरेक्टली देख सकते हो। और लिस्ट में अगले नंबर 2 की प्लेस पे है 2019 में आई दिल्ली क्राइम, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और स्पेशली सीजन 1 इसका मुझे काफी पसंद आया था, जिसकी स्टोरी दिल्ली में हुई सच्ची घटना निर्भया गैंग रेप से इंस्पायर्ड है, जिसमें दिल्ली जैसे शहर में एक लड़की के साथ एक बस में कुछ लड़कों का ग्रुप मिलकर उसके साथ काफी घिनौना सलूक करते हैं। तो आखिर इसके बाद दिल्ली पुलिस उन हथियारों तक कैसे पहुंचती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई काफी ज्यादा एंगेजिंग है। और फाइनली नंबर 1 की प्लेस पे है नेटफ्लिक्स पे मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज 2018 में आई सेक्रेट गेम, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, और ये नेटफ्लिक्स की पहली सीरीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी, जिसकी स्टोरी मेनली गणेश कैतुंडे के लाइफ पे फोकस करती है कि आखिर कैसे एक छोटे से बस्ती का गरीब सा लड़का आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। इसी के साथ सीरीज में बेहद ही ज्यादा गाली के साथ एडल्ट सीन भी डाले गए हैं, तो अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये काउंटडाउन आपको पसंद जरूर आया होगा। और इस लिस्ट में आपकी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज कौन सी है मुझे कमेंट्स बताना तो बिल्कुल भी ना भूले, और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।